feeling secured no matter what. Today's topic is upset to setup. We welcome all divine souls who have joined this session. We welcome Didi also. कल आपने जाना कि ट्रस्टीपन की फीलिंग किए क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे शिव बाबा हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग करती है, वर्चुअस को जीवन में धारण करने की कला सिखाती है जो संसार में कोई स्कूल में नहीं सिखाई जाती है। आज हम जानेंगे और समझेंगे कि सदा खुश रहने का तरीका क्या है, कैसे हम उदास मन को अर्थात अनहैप्पी माइंड को फॉरएवर हैप्पीनेस के स्टेज में परिवर्तन कर सकते हैं। कहते भी है जीवन का सबसे बड़ा खजाना है खुशी, अगर खुशी नहीं तो जीवन नहीं। यह मुरली द्वारा दीदी से सुनेंगे। आज शिव बाबा ने 3 शब्द याद रखने के लिए कहा है, उदास, ऊंची स्थिति, अस्थिरता। उदास, ऊंची स्थिति, अस्थिरता, उसको इंग्लिश में कहा गया अपसेट। अपर स्टेट ऑफ माइंड मींस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस स्टेज। और तीसरा है अनस्टेबिलिटी। इन 3 शब्दों का सही अर्थ शिव बाबा ने समझाया है। बाबा कहते हैं जब भी हम उदास व उदासीन हो जाते हैं तो यह निशानी है कि हम कहीं न कहीं अपनी ऊंची आत्मिक स्थिति से नीचे आ जाते हैं। इसलिए सदा अपनी ऊंची स्थिति अर्थात हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में रहो कि मैं सतयुगी सोल हूँ और स्वयं भगवान ने मुझे पसंद किया है, अर्थात मैं प्रभु पसंद आत्मा हूँ। यही हाईएस्ट कॉन्शियसनेस हमारे जीवन में जो अस्थिरता और अस्वस्थता है उसको समाप्त कर देगी और हम अचल अर्थात काम एंड स्टेबल बन जाएंगे। आगे डिटेल्स में इसी बात को दीदी सुनाएगी। ओवर टू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम बैक। तो सभी ने अच्छा होमवर्क किया है। ओके। तो होमवर्क जो लिखा है, थर्ड आई सिंबलाइजेस नॉलेज एंड इज कॉल्ड द पॉज कर दो कॉल्ड द विजडम। अभी बाबा ने हमको 19:6 के महावाक्य है, मीठे बच्चे अभी तुम्हें निंदा स्तुति मान अपमान दुख सुख सब कुछ सहन करना है, तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। अच्छा प्रश्न है, बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते हैं? बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते हैं? देखो बाबा ने शुरू में कहा कि निंदा स्तुति मान अपमान ये सब कुछ सहन करना है। क्यों? क्योंकि बस अब सुख के दिन आए, सत्युग त्रेता का सुख के दिन आए। तो अब फिर प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं कौन सी वार्निंग देते हैं। बाबा कभी स्ट्रांगली भी बोलते हैं, ऑलवेज स्वीटली नहीं होता है, थोड़ा कभी कभी स्ट्रांगली भी होता है। तो कौन सी वार्निंग देते हैं बाबा हमको, सुनना है? अच्छा लगेगा वार्निंग सुनना बाबा से? रेडी है? हाँ, प्यार इसी को तो कहते हैं। कभी कभी तो स्ट्रांग होना होता है। बहुत दिन पहले बाबा स्ट्रांग हुए थे, अब वापस स्ट्रांग हुए, अच्छा लगता है ना। अच्छा देखो बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे कभी भी बाप से रूठना नहीं,
नेवर बी अपसेट, अगर बाप से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। बाप वार्निंग देते हैं, रूठने वालों को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते काटा बन जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहो। बाबा कह रहे हैं कि अगर रूठेंगे तो रूठना कितनी कॉमन इमोशन है, और उससे रूठने से क्या होता है कि पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा से रूठे, पढ़ाई छोड़ दी, तो इसलिए बाबा ने कहा फिर काटा बन जाएंगे। अच्छा, गीत है धीरज धर्मनुआ, ये फिल्मी गीत है, तुम्हारे सुख के दिन अब आए कि आए। अच्छा, सभी हमारा रिक्वेस्ट तो जानते ही है, जो भी जानते रिक्वेस्ट वो अपना रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चों के जो भी जन्म जन्मांतर के दुख है सब दूर हो जाने चाहिए। इस गीत की लाइन सुनी, तुम जानते हो अभी हमारा दुख का पाठ पूरा होता है और सुख का पाठ शुरू होता है। हम सभी अनुभवी है, दुख का पाठ कंप्लीट होके अब सुख का पाठ, जब से ज्ञान में चल रहे हैं 2 महीने हो गए मिनिमम, तो क्या लग रहा है दुख का पाठ कंप्लीट हो रहा है? चेंजेस इन आवर एटीट्यूड, मतलब समझो लाइफ चेंज हो गई। कल ही हमने देखा था ना कि ब्राह्मण बच्चे बने, टर्निंग पॉइंट आई, अर्थात लाइफ के प्रति कंसेप्ट चेंज हो गया, तो समझो लाइफ चेंज हो गई, मतलब दुख का पाठ शुरू हुआ, सुख का पाठ शुरू हो गया। तो अब बाबा पूछ रहे हैं, तुम जानते हो अभी हमारा दुख का पाठ पूरा होता है और सुख का पाठ शुरू होता है? जो पूरी रीति नहीं जानते हैं वह किसी न किसी बात में दुख जरूर देखते हैं। यहां बाबा के पास आने से भी कोई न कोई प्रकार का दुख भासेगा। अब देखो, बाबा के पास भी कोई ना कोई दुख आ सकता है। बाबा समझ सकते हैं बहुत बच्चों को तकलीफ होती होगी। क्या था, बाबा इज रेफरिंग टू दैट सिचुएशन, दैट टाइम मधुबन में आते थे माउंट चाबू में। अभी तो यू मस्ट बी नोइंग मधुबन कितना बड़ा है, 25,000 तक की कैपेसिटी है और वो सब। उन दिनों 60s में मतलब 25 आ जाते थे तो कहते थे कि मधुबन फुल हो गया है, बड़ी रिमझिम है। तो इतने थोड़े से लोग थे तो फुल हो गया। अब फुल हो जाता है, इतनी फैसिलिटीज नहीं 25 लोगों के लिए भी, तो फिर नेचुरल है तो थोड़ी सी फैसिलिटीज की कमी होती थी। तो बाबा ने कहा, तो बाबा समझ सकते बहुत बच्चों को तकलीफ होती होगी। बाबा यूज्ड टू बी वेरी पर्सनली कंसर्न्ड अबाउट द वेलबींग ऑफ एवरी चाइल्ड, इन द सेंस कि जो आए हैं बच्चे सब अच्छे से है, राजी है, कोई तकलीफ तो नहीं है, सबको तकिया मिला है, बेड मिला है, खाना टाइम पे मिला है। तो बाबा हर छोटी, इट्स लाइक व्हाट इट वाज लाइक अ पेरेंटल सस्टेनेंस बाबा देते थे बच्चों देते थे। और अभी भी आप लोग सभी चलेंगे ना मधुबन तो आपको पता चलेगा कितना बाबा ध्यान रखता है वहां। तो बाबा कहते हैं फिर उन दिनों फिर इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो अब जैसे क्या होता है, घर में हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं और जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो उतनी अच्छी फैसिलिटीज होती। आजकल तो खैर होटल आदि हो जाते हैं, वहां भी रहते हैं, बट एक्चुअली स्पीकिंग अर्लियर व्हेन पीपल यूज्ड टू गो टू पिलग्रिमेज दे वुड नेवर प्रिफर होटल्स, होता था ना ऐसा, दे वुड स्टे इन सेंट्स, साधु महात्माओं के आश्रम में रहते थे और वहां सेवा करते थे जो भी तीर्थ यात्रा पर जाते थे।
और फिर आश्रम में रहना मतलब इतनी फैसिलिटीज तो है नहीं जो घरों में होती थी, बट दे वुड स्पेसिफिकली डू इट टू सो दैट अपने शरीर से कुछ सेवा हो और थोड़ा तपस्या हो। तो बाबा भी कह रहे हैं लोग जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ भीड़ होती है, बरसात पड़ जाती है, कभी तूफान लग पड़ते हैं, तो जो सच्चे भगत होंगे वह कहेंगे क्या कहेंगे, सच्चे भगत होंगे तो सोचेंगे अरे क्या है जबरदस्ती इधर आ गया, तो क्या कहते कहेंगे क्या हर्जा है, भगवान के पास जाते हैं, भगवान समझ कर की यात्रा पर जाते हैं, ढेर के ढेर भगवान है मनुष्यों के, तो जो अच्छे मजबूत होते हैं वह तो कहते हर्जा नहीं, अच्छे काम में हमेशा विघ्न पड़ते हैं, वापिस लौट कर थोड़े ही जाएंगे। कभी कभी मतलब थॉट आ सकता है ना कि बाप रे इतनी प्रॉब्लम है छोड़ो घर चले जाओ, लेकिन जो सच्चे भगत होते हैं व्हाट डू दे से कि नहीं कम व्हाट में हम तो यात्रा पर जाएंगे, हम नहीं जाएंगे वापस। तो बाबा क्या कहना चाहता है, अभी देखो बाबा तैयारी करा रहा है आप सबको, मधुबन ले चलना है ना आप सबको, माउंट आबू ले चलना है, ठीक है ना, अभी सब खुश है चलेंगे, अभी तो लॉकडाउन पहले कंप्लीट हो उसके पहले से तैयारी हो रही है। हाँ तो बाबा कह रहे हैं कि तो जो सच्चे भगत है तो अच्छे, बाबा कहते हैं कभी लौट थोड़ी जाना चाहिए, कभी कभी विघ्न पड़ते हैं, कभी नहीं भी पड़ते हैं, बाप कहते हैं मजबूत बच्चे ये भी तुम्हारी यात्रा है, दिस स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो अ पिलग्रिमेज, इट्स अ जर्नी, कैन वी अंडरस्टैंड इट्स अ जर्नी, इसलिए देखो जर्नी और जर्नी मतलब ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है और डेस्टिनेशन होता है, व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ दिस जर्नी, इस जर्नी की डेस्टिनेशन क्या हो हमारा, यस किसको पता है इस जर्नी की डेस्टिनेशन, सत्युग, ये सत्युग इज द प्रोडक्ट, डेस्टिनेशन हमारा फाइनल, बिकॉज इट इज अ स्टेट ऑफ द माइंड विच वी आर गोइंग, सो द माइंड हैज स्टार्टेड इन द सेंस द माइंड सतो, अभी माइंड सतो प्रदान होना शुरू हो गया, सो हमारी स्टेट ऑफ द माइंड की क्या डेस्टिनेशन होगी, सत्युग तो प्रोडक्ट है, परम धाम कर्मा कर्मातीत, यस कर्मातीत इज द हमारा फाइनल डेस्टिनेशन, कि कर्म करते हुए जैसे कर्मों का कोई इंपैक्ट नहीं, सो कर्मातीत बनना इज आवर डेस्टिनेशन, फरिश्ता एंजल बन जाना इज आवर डेस्टिनेशन, सत्युग इज अ एंजॉयमेंट, सत्युग इज डेस्टिनेशन नहीं है, तो नाउ वी हैव स्टार्टेड इन दैट डायरेक्शन टू गो टू गोल्डन टू बिकम कर्मातीत। तो बाबा कह रहे हैं, बाप कहते बच्चे ये तुम्हारी यात्रा है, ये निश्चय है ना, तुम कहेंगे हम बेहद के बाप के पास जाते हैं, आजकल देखो मधुबन में कितनी भीड़ है, बाबा को ओना रहता है, चिंता होती है, बहुतों को तकलीफ भी होती होगी, पट में भी सोना पड़ता है क्योंकि नीचे जमीन पे भी सोना पड़ता है, बाबा थोड़ी चाहता है कि बच्चों को पट में सुलाए, अब बहुत हो जाते तो क्या करे फिर उस समय, तो बाबा हमेशा जब जमीन पे सोते हो ना बेड देते थे, अब ज्यादा हो जाए तो बेड नहीं मिलता है तो पट पे सोना है, तो सोने को रेडी है पट में सोने, अगर आपको बेड नहीं मिला मधुबन में तो देखो कोई हाथ नहीं उचाया रेडी हो सकता है पट ना मिले अच्छा वंडरफुल गुड। तो बाबा कहते हैं जो पट में सोते हैं ना वो पट रानी बनते हैं सत्यु पट रानी मतलब इक्वल टू द नेक्स्ट टू नारायण। बाबा कहते हैं
बाबा थोड़ी चाहता है कि बच्चों को पट में सुलाए, परंतु ड्रामा अनुसार भीड़ हो गई है, कल पहले भी हुई थी फिर होगी, इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। देखो कभी भी याद ना आए, अरे हमने तो वहां तो हमको घर में तो इतना मजा आता था, घर में तो हम इतने आराम से रहते थे। When it's just a mindset, अगर जैसे ट्रेन होता है हमको कभी सीट नहीं मिलती है, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हुआ, हम कैसे भी करके जाते हैं, हम किसी को ब्लेम करते जाना ही है तब। तो इसी तरह जब हम मधुबन जाते हैं, सपोज हमें वो फैसिलिटी नहीं मिली इतनी, हम घरों में तो बहुत अच्छे से रहते हैं, बट इफ वी हैव दिस इन माइंड कि हम आश्रम में आए हैं, यहाँ हमको जरूर कुछ त्याग तपस्या करनी चाहिए, अदरवाइज व्हेन विल अ चाइल्ड बिकम स्ट्रॉन्ग, वी ऑल्सो हाउ डू यू ट्रेन योर चाइल्ड चिल्ड्रन कि उसको जो कहे वो मिल जाए, जो कहे वो मिल जाए, विल दैट चाइल्ड बिकम स्ट्रॉन्ग? द चाइल्ड विल बिकम स्ट्रॉन्ग ओनली व्हेन ही फेसेस द ऑड्स, यस, तभी वो स्ट्रॉन्ग। इसलिए अगर हमें फैसिलिटीज नहीं मिले और फिर भी हमको मधुबन से प्यार नहीं कम हुआ, तो समझो हम शक्तिशाली। तो बाबा कहते हैं तो इसमें दुख क्यों नहीं होना चाहिए, कोई तो राजा बनेंगे, कोई फिर रंक भी बनेंगे, कोई का ऊंचा मर्तबा, कोई का कम, परंतु सुख जरूर होगा, यह भी बाबा जानते। कोई बहुत कच्चे हैं जो कुछ भी सहन नहीं कर सकते, कोई बहुत कच्चे हैं जो कुछ भी सहन नहीं कर सकते, उन्हों को कुछ तकलीफ होगी। देखो जो सहन नहीं कर सकते वो कौन हो गए? कच्चे। उन्हों को कुछ तकलीफ होगी, कहेंगे हम तो नाहक आए यहाँ, या कहेंगे अगर मधुबन में गए तकलीफ हुई तो फिर सोचेंगे हम तो जबरदस्ती इधर आ गए, या फिर कहेंगे हमको ब्राह्मणी जोर करके ले आई, जो टीचर बहन है उसको बाबा ब्राह्मणी कहते, वो जबरदस्ती हमको ले आई, दीदी हमें बहुत कहते थे चलो चलो चलो, हम तो बस बहकावे में आ गए मधुबन, ये भी थॉट चल सकता है, क्योंकि सोचा तो नहीं था कि ऐसा मिलेगा। तो ऐसे भी होंगे तो जो कहेंगे, अब सुनो अलग अलग फीलिंग्स क्या होगी, कि ब्राह्मणी ने नाहक हमको फंसाया, ये क्या फंस गए हम यहाँ इधर आके, तो पूरी पहचान नहीं कि विश्वविद्यालय में आए हैं, इस समय की पढ़ाई से कोई तो राव बनेंगे, राजा बनेंगे, कोई रंक भी बनने वाले हैं भविष्य में, यहाँ के रंक और राव में और वहां के रंक राव में रात दिन का फर्क होता है, सत्युग के राजा और रंक में और कलयुग के राजा और रंक में फर्क है, कौन सा फर्क है? सत्युग के राजा रंक, यहाँ के राजा में भी दर्द है और वहां के रंक में भी खुशी है, यस हैप्पीनेस है। तो यहाँ के राव तो दुखी है और रंक भी दुखी है, वहां दोनों सुखी रहते हैं, यहाँ तो है ही पतित विकारी दुनिया, आत्मा तो मिट्टी में नहीं मिलती, भल यहाँ किसके पास बहुत धन है, बाप समझाते ये धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा। देखो आज अगर सोचा जाए द वे द फेट ऑफ द सोल्स हो रही है, कि आज वो बीमारी के कारण फॉरगेट अबाउट द मनी, चलो मनी पार्ट में आपकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होगी, लेकिन जिसके अंत हो रही है वो कैसा हो रहा है, कि रिलेटिव्स भी उनके साथ आ नहीं पाते, जिसको हम कहते मेरा मेरा, वो भी हम साथ में नहीं, तो आत्मा की क्या डेस्टिनेशन हो रही है, कौन? वैसे तो चलो शरीर के, वैसे भी आत्मा के साथ तो ऊपर तो कोई नहीं गया, लेकिन जहां तक रिलेटिव्स जाते थे पर वहां तक भी वो नहीं जा पा रहे। तो बाबा कह रहे हैं कि सब कुछ मिट्टी में मिल जाने वाला है, किसका गुमान कर रहे हैं, क्या किस चीज का हमें अभिमान है,
एक बार एक ये बॉम्बे का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसको बहुत नशा था कि मेरे पास, तो उसने एक स्पिरिचुअल ब्रदर है, रियल है, हमारे ज्ञानी ब्रदर को ऐसी बातचीत है, बोला देखो मेरा कितना, मेरे पास क्या चीज की कमी है, लाइक व्हाई शुड आई टेक द नॉलेज। तो इधर वर्ली में ये सनराइज बिल्डिंग है, उसमें मेरे 4 फ्लैट्स है, फिर मरीन ड्राइव में ये बिल्डिंग है, उसमें मेरे 10 3 फ्लैट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसने ऐसे बता दिए। उस भाई ने फिर बॉम्बे का मैप लिया, बोला कि बताओ इसमें आपका फ्लैट कहाँ है इस मैप में, जरा तो बता नहीं सका। फिर बोला महाराष्ट्र का मैप लिया, अब बताओ आपका कोई फ्लैट है यहाँ, आपके जितने फ्लैट है यहाँ कुछ है यहाँ, वो नहीं बता पाया। इंडिया का मैप लिया, इंडिया के मैप में उसका फ्लैट कहाँ दिखाई देगा, और वर्ल्ड का मैप लिया। तो बाबा कहते हैं कि एक्चुअली है क्या किसी के पास अगर है, लेकिन उस नशे में ईगो के कारण हम क्या क्या गलत कर्म कितनों को डाउन कर देते, कितने विकर्म कर लेता है आत्मा, और अंत कैसे कैसे होता है। तो बाबा यही कह रहे हैं, सब मिट्टी में मिल जाना है, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, आत्मा तो मिट्टी में नहीं मिलती। कितने बड़े बड़े साहूकार है बिड़ला जैसे, परंतु उनको क्या पता कि अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है, मालूम होता तो फट से आ जाते अगर ये पता होता। कहते यहाँ भगवान आया हुआ है, फिर भी जाएंगे कहाँ, सिवाय बाप के कोई को सदगति मिल न सके। अगर कोई रूठ गया, बाबा से रूठ गया, तो सदगति से रूठ गया। ऐसे बहुत रूठते रहेंगे, गिरते रहेंगे, बाबा के पास आने के बाद से ऐसे हो सकते हैं कि रूठेंगे गिरेंगे। नाउ क्या होता है व्हेन यू कम टू बाबाज हाउस, अगेन दिस इज अ स्कूल, मीन्स देर इज अ गैदरिंग, एंड व्हेन देर इज अ गैदरिंग तो देर वुड बी डिफरेंट संस्कार्स, और जब डिफरेंट संस्कार्स है, सबके अपने अपने संस्कार है, ज्ञान सब एक सुनते हैं। अब जैसे यहाँ भी सभी एक ही ज्ञान सुन रहे हैं, हम लोग सभी इकट्ठे सुन रहे हैं कितने महीनों से, डस एवरीवन अंडरस्टैंड इट इन द सेम मैनर, एवरीवन लिसनिंग द सेम एक्सप्लेनेशन। और अब इसमें कोई कहे कि तुम वहां जाके ये सीखते हो, तो वो क्या करेगा, कोई बहुत अच्छा भी हो सकता है, कोई रॉन्ग भी हो सकता है। अब जैसे एक ही स्कूल में पढ़कर कोई चेयरमैन बन जाता है और कोई प्यून बन जाता है, तो वो स्कूल वाले की प्रॉब्लम है, एक ही स्कूल में। तो इसी तरह यहां आने वाले सबके अपने अपने संस्कार है। अब उसके कारण कोई नया आए या कोई कहे कि क्या है, यहां आकर भी लोग ऐसे होते हैं, पॉसिबल है, हो सकते हैं, दोज आर नॉट वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, दे माइट नॉट चेंज, पर यहां आके ऐसे भी तो होते हैं। दादी जैसे कितने बाबा के ऐसे ऐसे बच्चे हम देख रहे हैं, तो ऐसे भी तो है। तो इसलिए एक कोई खराब है या कोई ऐसा, क्योंकि वो ज्ञान को धारण नहीं कर रहा है, इसलिए वो ऐसा है, क्या कर सकते उसमें। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कोई तो समझते हैं, ऐसे बहुत रूठते रहेंगे गिरते रहेंगे, आश्चर्यवत सुनंती कथंती निश्चय होवंती, अभी बाबा के पेटेंट वर्ड है, सुनंती कथंती निश्चय होवंती, फिर भागंती हो जाते। कोई तो समझते बरोबर, इन बिगर कोई रास्ता है नहीं, इनसे तो सुख और शांति का वर्षा मिलेगा। कोई तो ऐसे सोचते कि ये ज्ञान जैसा कोई ज्ञान ही नहीं है, ऐसे भी सोच सकते, और कोई सोचेंगे क्या है यहाँ भी ऐसा होता है। तो इसलिए एक्चुअली व्हाट यू आर सीइंग इज नॉट एक्चुअली व्हाट इट इज,
what you see is normally it's a रूठना, ये आपकी अपनी कंडीशन है. लाइफ इज 90% हाउ यू टेक इट, 90%. इसलिए कल मैंने आपको बताया था, दादी जान के हमेशा कहती 90% कभी भी कुछ होता है आई सी माई सेल्फ. तो अब बाबा ने कहा, हाँ, रूठना मीन्स सबसे पहले कोई बात में अपसेट हो जाना, व्हाट एग्जैक्टली इट इज, ज्ञान में आने के बाद. इट इज अबाउट व्हेन यू आर कमिंग इन ज्ञान, व्हेन यू आर विद पीपल विद इन दिस क्लासरूम. तो ज्ञान में आने, या तो बाबा पर निश्चय नहीं है, ये किसका ज्ञान है बाबा. अच्छा, हम सोचते कि बाबा पर, बाबा का ज्ञान है, लोग ऐसे है. तो लोग ऐसे, तो कुछ लोग ऐसे है ना, मेजोरिटी कैसे है. और दूसरा मतलब कोई, इट्स अ स्कूल, अगर कोई नहीं पढ़ता है तो बाबा तो रॉन्ग नहीं है. सेकंड है, या तो उसका बाबा से दिल का प्यार नहीं है, वो केवल बाहर की चीजें ही देख रहा है. और तीसरा है, रूठना इज नथिंग, फील करना, सो इट इज नथिंग बट अ साइन ऑफ ईगो. अपना अभिमान ये थॉट क्रिएट करता है. और रूठना इज नथिंग मतलब अटेंशन सीकिंग नेचर, वन ऑफ द रीजन ऑल्सो. और इस दूसरा है, रूठना मतलब बहुत सेंसिटिव है कि बस इसने कुछ कह दिया, मुझे ये सेवा कह दिया, उसको वो सेवा मिली, मेरे को ये सेवा मिली, सेंसिटिव नेचर. और नेक्स्ट इज फोकसिंग, रूठेगा वही जिसका दूसरे पर फोकस है. जिसका खुद पर फोकस है वो खुद को चेंज करने में लगा रहेगा, ही इज बिजी चेंजिंग हिमसेल्फ. इट इज फाइनली हाउ यू टेक इट, देयर इज नथिंग. जैसे कुछ भी बात होती है, इसमें अच्छा भी होगा, रॉन्ग भी होगा. How I take it, it all, that all matters. And finally it is, the self is very weak, it's proved. रूठने का मतलब, मतलब क्या है रूठना, अर्थात ही अपने आप को हम बहुत वीक प्रूव कर रहे हैं. क्योंकि एक बार कुछ प्रोग्राम था हमारा, तो उस प्रोग्राम में भोजन की डिस्ट्रीब्यूशन चल रही थी. तो दो बहनें थी, तो वो पुरानी थी बहन, मतलब यहाँ कुछ नए भाई बहन भी थे और पुराने भी, मतलब पुराने तो थे, नए भी थे. तो उनको कहा कि थोड़ा जो देने वाला है भोजन, ब्रह्मा भोजन होता है, तो उसको कह दिया कि इधर नहीं, आप उस, आप वेट करो. थोड़ा स्ट्रांगली बोल दिया कि आप वेट करो, जो नए हैं पहले उनको दे देंगे. अच्छा, आप बताओ इसमें कुछ मिस्टेक है, दोनों एंगल से बताओ. इसको ऐसा बोला कि वेट करो, तुम अभी नए हो. इसमें उसने थोड़ा स्ट्रांगली बोला, बोलने वाले ने. अब इसमें कुछ मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं है, दोनों एंगल से बताओ. अब यू आर यर, थाली लेके आए आप, 1 बजे का टाइम हो गया, भूख भी लगी है, आप लाइन में हो, जो सामने बहन, ब्रह्मा कुमारी बहन बड़ी है और सीनियर है, सिस्टर ने कह दिया, तो मैम अगर हम वहाँ गए हैं दीदी और वहाँ बैठे हैं, अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो हमारा जाना क्या सर, अगर हम बुरा मान जाएंगे तो फिर हमारा सफल क्या हुआ वहाँ जाके सेवा करने. अच्छा अच्छा अच्छा, देखो, हाँ बहुत अच्छी है, नो पॉइंट फ्रॉम द
should have said nicely. अच्छा वो दूसरा जो स्कोल्ड करने वाला है वो पोलाइट होना चाहिए. ओके ओके ठीक है. नाउ यू से मी. ओके अब आप बताओ, आप लोगों ने अच्छा दिखा. अच्छा जो बोलने वाला था उसको बहुत कोई और नए दिख रहे थे और इसने सोचा ये तो हमारे ही है, रोज सेंटर पे आते हैं, ये तो अपने घर घर वाले हैं, तो उसने थोड़ा स्ट्रांगली बोला. तो इसके तरफ से मिस्टेक ये थी कि वो पोलाइट बोलना चाहिए, गलती. उसकी तरफ से क्या मिस्टेक थी, जो सामने है उसके तरफ से क्या मिस्टेक थी. ओके ठीक है, बोला है तो मैं उसका भाव समझना है. एग्जैक्टली शी शुड हैव अंडरस्टूड कि भाव क्या है, कि ये था. अच्छा राइट, शी डिड नॉट फील लाइक बिलोंगिंग टू द फैमिली, वंडरफुल. अब ठीक है उस समय फील करो, उसने खाना नहीं खाया, चली गई. अब चली गई कितनी देर की नाराजगी होनी चाहिए, अगर नाराज हुआ भी क्योंकि सबके सामने बोल दिया, नाराजगी होनी तो कितना मिनट की नाराजगी होनी चाहिए, एक मिनट, दो मिनट, दस मिनट, पंद्रह मिनट, एक मिनट, एक मिनट की नाराजगी. ठीक है, 3 months वो सेंटर पे नहीं आई. अब बताओ, अब इसमें करने वाला क्या करेगा. अब मुझे लगा कि बात क्या है, हुआ क्या, बिकॉज हम तो वहां थे ही नहीं. बन देने वाला दे रहा है, खाने वाला खा रहा है, कुछ पता ही नहीं क्या नहीं, और किसी को भी नहीं पता क्योंकि जो बोलने वाला था वो इतना नेचुरली बोल रही थी कि उसको भी नहीं पता कि बात क्या था कितना. सो इट इज एक्चुअली लाइफ इज हाउ यू टेक इट, इट इज नॉट कि ये. अच्छा अगर हम ये कह देते कि ठीक है बोल दिया, मैं साइड में हो गई, और उसके बाद फिर बाद में बता देते कि थोड़ा अच्छे से बोलो बस. इज इट अ मैटर ऑफ 3 months उसके कारण इतना नाराज हो जाए. दिस इज कॉल्ड वीक सोल. जैसे वीक किसे कहेंगे दुनिया में भी, कि थोड़ा सा कुछ लग जाए, इंजरी हो जाए और पैर चले नहीं फॉर 3 months, दिस इज कॉल्ड वीक. तो मुझे किसी ने इतना सा कह दिया या चलो सबके बीच में कहा. और ऐसी भी सिचुएशन हो सकती कि बहुत स्ट्रांगली कहा और मेरा फिर भी आपके प्रति वही इंप्रेशन है, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है. सो दिस इज अ स्ट्रांग सोल. मेक आर सेल्फ स्ट्रांगर नॉट वीक, बिकॉज इट इज 90% हाउ यू टेक इट. तो बाबा ने कहा कि कोई कहे, हाँ बच्चों को समझा, अगर कोई रूठ गया तो कहेंगे सदगति से रूठ गया. ऐसे बहुत रूठते रहेंगे, गिरते रहेंगे. जब धन बहुत हो तो तब तो सुख मिले, धन में भी इसमें ही सुख होता है. तो बाबा ने कहा कि रूठना ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं, आपस में रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं. अब तुम यहाँ फूल बनने के लिए आए हो, ज्ञान में आने का मतलब ही क्या है. हाँ कितने सारे पॉइंट्स है ना आप लोगों ने सबने जो लिखा, ज्ञान में आने का मतलब ही क्या है, चेंज करना. आप लोग ने जो भी ये पॉइंट्स लिखा ना, अब सब ये स्टोर करके रखो हम, और जब कोई ऐसी परिस्थिति आई ना तब यही पॉइंट्स हमको अपने आप को बोलना है. दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी. द एडवाइस विच वी गिव टू अदर्स is to be applied when situation comes. तो बस, तो बाबा ने कहा ब्राह्मणी से रूठ जाते, आपस में रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते. और सबसे हाँ क्लियर बात है कि इसमें ईगो तो है ही है, लेकिन सबसे अच्छी क्लियर बात है कि मुझे ठीक नहीं लगा ना, why not clarify it with the concerned person. और सबसे इजीएस्ट है बहनों से क्लेरिफाई कर दो कि भाई मुझे इस बात, हमें ही नहीं पता होता है कि बात क्या है, हो गया आपस में कुछ, हो गया बाबा हमेशा कहते हैं
कि बच्चों के बीच में, भाई बहनों के बीच में हो जाता है, तो आप पेरेंट्स को पूछते नहीं हो? पेरेंट्स को तो पूछेंगे ना, भाई बहनों के बीच में हुआ तो बहनों से, ठीक है बहनों से भी रूठ गए, बाबा को क्यों छोड़ देते हो? तुम यहाँ फूल बनने के आए हो, महसूस करते हो ना कि बरोबर हम कांटे से फूल बन रहे हैं, कोई कुछ संशय है, फलाना यह करते हैं, यह ऐसे है, इसलिए हम नहीं आएंगे, बस रूठ कर जाए, घर में बैठ जाते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे हमको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जूम में है तब तक तो सब ठीक है, जब सेंटर पर आएंगे ना, इसलिए सेंटर पे आना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये पेपर में पास कैसे होंगे? जूम में क्या प्रॉब्लम है? बस किसी के साथ कोई कांटेक्ट में ही नहीं आना है, फिर तो अच्छा ही है ना, वहां बैठे हैं घर में। आप बच्चों को करस्पोंडेंस MBA और फुल टाइम MBA क्यों, किसमें आप एडमिशन देना चाहोगे? फुल टाइम करस्पोंडेंस की वैल्यू नहीं, तो ये अभी खाली लॉकडाउन के समय करस्पोंडेंस कोर्स है, बाद में क्या होगा? फुल टाइम MBA। हाँ तो बाबा कह रहे हैं कोई को कुछ संशय है तो बस रूठ कर जाए, घर में बैठ जाते हैं, और सबसे तो भल रूठो, लेकिन एक बाप से तो नहीं रूठो। बाबा ने क्या गलती की? पेरेंट्स कहेगा भाई तुम लोग का आपस में हुआ, मैंने क्या गलती की, मुझे क्यों छोड़ रहे हो? बाबा की मुरली तो सुनो। अच्छा एक क्लास में कोई आता है, स्टूडेंट है, उसको कोई स्टूडेंट के कारण प्रॉब्लम है तो क्लास चेंज करो। अच्छा टीचर से प्रॉब्लम है तो स्कूल चेंज करो, लेकिन पढ़ाई तो मत छोड़ो। अगर कोई टीचर का प्रॉब्लम है या क्लास का उसके कारण वो पढ़ाई छोड़ देता है, इसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअली लॉजिकली अगर सोचो, मतलब वो अपना भविष्य खराब कर रहा है ना, जस्ट बिकॉज द टीचर सेड दिस टू मी आई एम लीविंग द स्टडीज, मीन्स मैं अपना भविष्य खराब कर रहा हूँ। कोई आपको आज कहे कि मैंने ना स्टडी इसलिए छोड़ दी क्योंकि टीचर बहुत खराब थी तो मैंने तो स्टडी छोड़ दी, दिस इज कॉल्ड फुलिशनेस। इसलिए अगर एक सेंटर से प्रॉब्लम है, अब दूसरे सेंटर पे चले जाओ। बाबा को तो मत छोड़ो, ज्ञान क्यों छोड़ते हो? इसलिए बाबा ने कहा, पक्के सभी यहाँ पक्के बैठे, कोई कुछ भी बहन बोल दे चलेगा, थोड़ा डांट के बोल दे तो चलेगा? सभी हाँ पक्के हो जाओगे लॉकडाउन पीरियड में एकदम पक्के? जिसको किसी बाहर के बातों का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है वो कहेगा पक्का। वैसे पक्का किसे कहेंगे? जुकाम की चीजें आई लेकिन आपको जुकाम नहीं हुआ, पक्का। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते सबसे भल रूठो, लेकिन एक बाप से कभी नहीं रूठना। बाबा वार्निंग देते हैं, सजाएं बहुत कड़ी है, गर्भ में भी जो सजाएं मिलती है वह सब साक्षात्कार कराते हैं, बिगर साक्षात्कार के सजा मिल नहीं सकती। अ ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग। बाबा लास्ट में जब हम परमधाम जाएंगे, दो जगह आत्मा को अपने विकर्मों का साक्षात्कार होता है। कौन सी जगह? एक तो गर्भ जेल में, जब आत्मा जाती है तब उसको सारे अपने विकर्मों का साक्षात्कार होता है, और दूसरा है तो जब आत्मा परमधाम जाती है। परमधाम जाने के पहले जब सूक्ष्म वतन में आत्मा पहुंचती है, बाबा ने हमेशा कहा, बाबा जो भी पनिशमेंट देगा तो व्हेन इन द सटल वर्ल्ड, धर्मराजपुरी में सब पनिशमेंट होगा, तो ऐसी पनिशमेंट नहीं देगा, एक एक संकल्पों का बाबा साक्षात्कार कराएगा, एविडेंस बेस्ड पनिशमेंट होगा, एंड देन वो उसका पनिशमेंट बताएगा, तुमने ये गलती की ये सजा, एंड वो सब करके देन द सोल विल गो टू परमधाम। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, शॉर्ट प्रोसेस नहीं है। तो बाबा कहते, और दूसरा है गर्भ जेल में, इसलिए शास्त्र में भी ये सुनते आए होंगे
कि गर्भ जेल में आत्मा बहुत तकलीफ में होती है और वो आत्मा बोलती है कि मुझे बाहर निकालो अब मुझे, मैं कभी भी ये मिस्टेक, उसको पूरा अपने जन्मों का वॉट एवर विकर्म उसने किया है वो पूरा साक्षात्कार हो जाता है। तो बाबा कहते हैं बिगर साक्षात्कार के सजा मिल नहीं सकती, यहाँ का भी साक्षात्कार होगा। तुमने पढ़ते पढ़ते आपस में लड़ झगड़ कर रूट कर पढ़ाई छोड़ दी। तुम बच्चे समझते हमको फादर से पढ़ना है, पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। तुम यहाँ पढ़ते ही हो मनुष्य से देवता बनने, ऐसे उछते उछ बाप के पास तुम मिलने आते हो, कभी जास्ती आ जाते हैं, ड्रामा अनुसार कुछ तकलीफ हो पड़ती है। देखो बाबा कहते पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है, अंडरलाइन करना इस बात को, कुछ भी हो जाए बाबा की पढ़ाई मत छोड़ो। हाँ तुम यहाँ पढ़ते ही हो मनुष्य से देवता बने, बिकॉज आज अगर हम रिकॉल करें मुझे टीचर ने कुछ कहा ये कहा लेकिन मैं फिर भी पढ़ता रहा, तो फायदा किसको हो रहा है आज? एंड टुडे वी हैव बिकम इंजीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट व्हाटएवर, हु इज बेनिफिटिंग? टीचर ने मुझे बहुत कुछ कहा, ऐसा कुछ हुआ लेकिन खुद को फायदा है ना। तो अब जैसे सुषमा बहन अगर बताती है कभी कुछ किसी के भी कुछ भी इश्यू होते हैं स्टडीज के समय, तो अब स्टडीज के समय सपोज किसी ने आप वो स्टूडेंट्स आपस में बहुत पार्शलिटी करते हैं कुछ ऐसा करते हैं लेकिन फिर भी उस आत्मा ने वो पढ़ाई अच्छे से किया और टुडे और शी इज अ टॉपर MBA, टॉपर इन द सेंस बहुत अच्छे से फ्लाइंग कलर्स में MBA पास किया, तो किसकी वैल्यू है? आज वो आज जब भी वो सर्टिफिकेट दिखाएगी तो उसमें MBA की वैल्यू होगी ना, ये तो नहीं कहेगा कि और इसके लिए अगर छोड़ दी होती पढ़ाई कि मेरे पास ग्रुप अच्छा नहीं है, लोग मेरे को पार्शियलिटी करते हैं, स्टूडेंट्स आपस में ऐसे करते हैं, इसलिए कभी भी बाबा की पढ़ाई नहीं छोड़ना है। बाबा कहते तुमने पढ़ते पढ़ते आपस में लड़ झगड़ कर रूठ कर पढ़ाई छोड़ दी थी, तुम बच्चे समझते हमको तो फादर से पढ़ना है, पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। तुम यहाँ आए हो मनुष्य से देवता बनने, ऐसे उछते उछ बाप के पास तुम मिलने जाते हो, कभी जास्ती आ जाते हैं, ड्रामा अनुसार कुछ तकलीफ हो पड़ती है, बच्चे को अनेक तूफान तो आते हैं, फलानी चीज नहीं मिली, यह नहीं मिला, कभी खाना नहीं मिलेगा, मधुबन चलना है ना सबको, बहुत लोग होंगे तो कभी खाना नहीं मिल सकता है, ऐसा कभी हुआ नहीं है ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल होगा तो क्या करेंगे? अंदर सोचेंगे क्या है, संगीता बहन जबरदस्ती हमको बता रही थी, घर में अच्छे थे, कितना हमको फर्स्ट क्लास खाना मिलता था वहां। देखो आप लोगों को बाबा अभी से तैयारी कर रहा है सब कुछ पक्के। तो बाबा कह रहे हैं तुम बच्चे तो बहुत, हाँ फलानी चीज नहीं मिली, यह नहीं मिला, यह तो कुछ भी नहीं है, जब मौत का समय आएगा, अब देखो अभी जो बीमारी आई है तो उस समय क्या मिल रहा है, कोई सामने भी आ रहा है? अब जो आजकल जो बीमारी चल रही है वो रिलेटिव्स को सामने भी नहीं आने दे रहे हैं, तो कितने फैसिलिटीज से वो डिप्राइव्ड हो रहे हैं, तो कैसे हो रहे, सहन कर रहे हैं ना, कभी बीमारी होती है तो जरूरी थोड़ी वही फैसिलिटीज मिलती है। तो बाबा कह रहे हैं कि अचानक बॉम्ब्स गिरेंगे, ढेर के ढेर मरेंगे, या खूने नाहक खेल हुआ, अज्ञानी मनुष्य ऐसे चिल्लाएंगे, तुम बच्चे तो बहुत खुश होते क्योंकि तुम जानते हो इस दुनिया का विनाश होना ही है, अनेक धर्मों का विनाश न हो एक सत धर्म की स्थापना कैसे होगी, सत्युग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, किसको क्या पता सत्युग आदि में क्या था, यह है पुरुषोत्तम संगम युग, बाप आए हैं सबको पुरुषोत्तम बनाने, सबका बाप है ना, ड्रामा को तो तुम जान गए हो, सब तो सत्युग में नहीं आएंगे, इतनी करोड़ों आत्माएं सत्युग में थोड़े आएगी,
सारे सतयुग में आ जाएंगे? अगर अभी की जितनी आत्माएं सतयुग में आ जाएगी तो फिर तो वो सतयुग भी क्या हो जाएगा, कलयुग हो जाएगा। इसलिए ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएगा यहाँ, और फिल्टर किस बेसिस पे होगा? इसलिए आप देखो कितनी आप सेवा करते होंगे, कितने कोर्स करें, लेकिन फाइनली चले कितने इस कोर्स में, ये इतने सारे जो आज है, जो पक्के है कि नहीं चलना है। अब और परीक्षा आती जाएगी, ये नहीं है, अब और भी पेपर्स आते जाएंगे। हम लोगों ने MBA की डिग्री ली, CA की डिग्री ली, इंजीनियरिंग की डिग्री ली, कितने पेपर्स पास किए? एक साल में कितने पेपर्स, और ऐसे करके 20 साल में कितने पेपर्स पास किए? किए ना। और जब पेपर्स पास किए तभी तो डिग्री मिली, ऐसी डिग्री मिलेगी? तो अब हम बाबा के ज्ञान में आए, अब हमारे पेपर्स शुरू हो जाएंगे। सो नाउ यू वी ऑल हैव टू बी रेडी, क्योंकि वंस यू आर इन नॉलेज तब माया अपना पेपर देगी। पहले वो लोग अच्छे थे, अब वो आपको थोड़ा चिढ़ाएंगे, टीज करेंगे, थोड़ी चीटिंग भी कर सकते हैं, आपको टेस्ट करेंगे। हमें पास होना है, वी हैव टू सी। तो बाबा कहते हैं, हाँ ड्रामा को तो तुम जान गए हो, इतनी करोड़ों आत्माएं तो सतयुग में नहीं आएगी, ये है डिटेल की बातें। बहुत बच्चे यहाँ है जो कुछ भी समझती नहीं है, भक्ति मार के हीरे हुए हैं, ज्ञान बुद्धि में बैठ न सके, भक्ति की आदत पड़ी हुई है, कहते भगवान क्या नहीं कर सकता। अब एक ये फिलोसफी है कि भगवान मरे हुए को जिंदा कर सकता है। बाबा के पास आते कहते हैं फलाने मनुष्य ने मरे हुए को जिंदा को जगाया है, तो क्या भगवान नहीं कर सकता? आप लोग कहते हो यहाँ भगवान आता है, तो क्या यहाँ भगवान मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता? बाबा ये काम करेंगे, कोई आत्मा शरीर छोड़ दी, अब बाबा बताओ अपना पावर बताओ, तुम भगवान हो ना, मरे हुए को जिंदा करो। शुड बाबा यूज दैट पावर? बाबा कैन यूज इट, बट शुड बाबा यूज इट? टेल मी, लॉजिकली सोच के बताओ, शुड बाबा यूज इट, यस और नो? नहीं। जो नहीं कह रहे मतलब क्या, हाँ या ना? नहीं। सब वंडरफुल। अब देखो, अब बाबा अगर यूज करे तो कितनों को यूज करे बाबा नहीं के लिए? इसको एक को जिंदा करेगा, करोड़ों सोल्स है, सब बाबा के बच्चे हैं, तो सबको कर सकता है फिर? विल यू डू टू एवरी? अगर कोई कहे कि भाई तुमने उसको किया, तो वो कहेगा कि नहीं, क्योंकि तो ये ऐसी है तुम, तो वो क्या कहेगा, तुम फादर हो ना, तुम्हारे लिए तो सारे बच्चे ठीक है, तो किस किस की सुनेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग प्रॉब्लम। एक को करेगा, यू आर अ पेरेंट, यू हैव टू चिल्ड्रेन, यू हैव फोर चिल्ड्रेन, अगर एक को आप साइड करते हो तो दूसरा क्या बोलेगा, बोलेगा ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देन यू माइट, इट इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर द पेरेंट, एज अ पेरेंट। सेकेंडली कार्मिक फिलोसफी फेल हो जाएगी, तो जो करेगा सो पाएगा, फिर कार्मिक लॉस कैसे एप्लीकेबल होगे, राइट? और थर्ड है कि अगर बाबा का इसमें ये काम करे, तो बाबा का मेन फोकस है संस्कारों को चेंज करना। ही हैज कम जस्ट टू चेंज द संस्कार, बाबा हैज नॉट कम टू डू दिस ऑल मैजिक। सो दिस नॉलेज इज नॉट, नो मैजिक, लेट अस बी वेरी क्लियर। हाँ, इफ यू वर्क ऑन योर सेल्फ, बाबाज हेल्प इज देयर एंड यू विल चेंज योर सेल्फ। हमारे थॉट्स चेंज हो जाएंगे, एटीट्यूड्स चेंज हो जाएंगे, दैट इसमें बाबा की मैजिक है। बाबा की मैजिक बिजनेस में नहीं है, बच्चे प्रमोट हो जाए, बच्चे अच्छे पढ़े, उसमें बाबा की मैजिक नहीं है, इसमें किसी में भी मैजिक नहीं है। बाबा की मैजिक है अपने थॉट्स को चेंज करना, विच इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस। बच्चे आज एग्जाम में पास हो जाए वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, या मेरा कंप्लीट एटीट्यूड चेंज हो जाए वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है।
दिनेश भाई क्या इम्पोर्टेंट है ऐसा. अब जैसे यू यू आर अ प्रिंसिपल और आप एक स्कूल है जो कहते पढ़ो नहीं पढ़ो आपको मैं पास कर दूंगा, और एक स्कूल है वसंत गैलेक्सी क्या है वसंत वैली, उसमें कहेगा जैसे लिखा है परफॉर्मेंस बेस्ड आपको मार्क्स देंगे, और एक कहेगा मार्क्स दे देंगे तुम पढ़ो नहीं पढ़ो. कौन से स्कूल में आप बच्चों को भेजेंगे? ए वी, वसंत वी में. क्यों भाई? उसमें इजीली आपको मिलेगा, पढ़ना नहीं आपको आराम से कर देगा. और ऐसे पास हुए डॉक्टर के पास हम जाएंगे जो ऐसे डिग्री मिली है, वंडरफुल, हमको बाबा देवता बना रहे. एक डॉक्टर के पास भी हम नहीं जाएंगे, बाबा हमको देवता बना रहे. हमने संकल्प किया उस आत्मा को शक्ति मिलेगी, उस आत्मा को चेंजेस आ जाएगी. कितनी पावर चाहिए हमारे थॉट्स में, हमारे आंखों में कितनी पावर चाहिए, हमारे शब्दों में कितनी पावर चाहिए कि मेरे एक वर्ड बोला उसके लिए वरदान हो जाएगा. कितनी हमारे अंदर, तो क्या ऐसी वो पावर भगवान दे दे? वी हैव टू वर्क ऑन आवर सेल्फ. यर बाबा विल हेल्प अस. दिस इज व्हाट अच्छा टीचर क्या करेगा? पेपर में नहीं पास कराएगा, बट वो आपको पेपर के लिए हेल्प करेगा. तो बाबा कहता है तुम्हारे पास बहुत ऐसे आएंगे. तो वो कहते भगवान जिंदा नहीं कर सकता, वहां तो कोई ने अच्छा काम किया तो उसकी महिमा करने लग पड़ते हैं, फिर उनके हजारों फॉलोअर्स बन जाएंगे. तुम्हारे पास तो बहुत थोड़े आते. अब देखो हमारे पास कितने हैं, कोर्स कितनों ने किया, फाइनली टिके कितने. बाबा कहते वहां तो कनरस है, बड़े भपके से बैठ गीता सुनाते, भगत लोग सुनते, यहाँ कनरस की बात नहीं है. देयर इज नो कनरस हियर, हियर वी हैव टू डू इट. वहां तो क्या है, एक बार महात्मा जी ने ज्ञान सुनाया, फिर वो पूछता है कि अगले दिन कितना पढ़ा है, चार्ट बनाओ. मोस्टली नहीं पूछते हैं. यहाँ तो तुमको सिर्फ कहा जाता है बाप को याद करो. गीता में भी अक्षर है ना, मन मना भव, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे. बाप कहते अच्छा ब्राह्मणी, अच्छा ब्राह्मणी, ब्राह्मणी मतलब बहने हैं, वह सेंटर से रूठ जाते हो. अच्छा यह तो काम करो और संग तोड़, अपने को आत्मा समझो, एक बाप को याद करो. बाप ही पतित पावन है, बस बाप को याद करते रहो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो. इतना याद किया तो भी स्वर्ग में जरूर जाएंगे. स्वर्ग में ऊंच पद तो पुरुषार्थ के अनुसार ही मिलेगा, प्रजा बनानी पड़े, नहीं तो राजा ही किस पर करेंगे. जो बहुत, बाबा कहते स्वर्ग में जाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, नहीं तो किस पर राजा ही करेंगे. जो बहुत मेहनत करते हैं ऊंच पद भी वही पाते हैं. व्हाट इज द बिग एफर्ट? और यहाँ मेहनत है क्या? एक घंटा मुरली सुननी है कुछ एफर्ट है? एट द कन्वीनियंस ऑफ योर एट योर होम इतना मुरली सुने. अच्छा फिर कोई 10:30 को नहीं आ सकते, हम कहते चलो 7:30 की क्लास करो, नहीं तो 5:00 की क्लास करो, 6:00 की क्लास करो. अगर इसके बावजूद भी नहीं कर सकते तो हम, हमारे पास बाबा के अच्छे बच्चे हैं जो अलग से टाइम देके आपको मुरली सुनाएंगे. बट सिर्फ मुरली सुनो, अब इसमें कुछ मेहनत है मुरली सुनने में? नहीं है ना मेहनत. अच्छा फिर पूरे दिन थोड़ा ध्यान रखो अपने थॉट्स पे कि मैंने ये तो नहीं सोचा, ये नहीं सोचा, अब मुझे ये नहीं सोचना है, मुझे उसके प्रति अच्छी शुभ भावना रखनी है. कुछ मेहनत है? अच्छी गुड विशेज रखनी है, मेहनत है? नहीं है. तो कुछ भी तो मेहनत नहीं है, और बस बिना मेहनत आपको देवता बनना है बस. अब इससे ज्यादा और कन्वीनियंट क्या देगा भगवान, हेल्प करेगा. अब जस्ट इमेजिन भक्ति को देखो, आप लोगों में से कितने भक्ति की होगी. एक घंटा पूजा करो, खर्चा है उसमें, मतलब कुछ कुछ तो लगेगा ना. तीर्थ यात्रा पर जाते करते हैं ना, तो उसके कंपेयर में वहां मेहनत है कि नहीं? तो इसलिए बाबा कहते हैं
कि मनुष्य यहाँ तो कुछ भी मेहनत नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत मेहनत है, क्लास रेगुलर करना है, मुरली इज अ मस्ट, ये मेहनत जरूर है, चाहे आप बाद में रिकॉर्डिंग सुन, अगर चारों टाइम क्लासेस नहीं कर सको तो रिकॉर्डिंग सुनो, और ये भी नहीं कर सको तो मुरली पढ़ो, एक इम्पॉर्टेंट मेहनत है, हाँ फिर बाद में अपने ऊपर ध्यान रखो। तो बाबा कहते मनुष्य तो ऊंच पद के लिए कितना माथा मारते, पुरुषार्थ बिगर कोई रह नहीं सकता, तुम बच्चे जानते हो वह ऊंचते ऊंच पतित पावन है, मनुष्य भल महिमा गाते परंतु अर्थ नहीं समझते हैं, भारत कितना साहूकार था, भारत है वंडर, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, बेहद का बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे हम तुमको इतना साहूकार बनाकर गए फिर तुम्हारी दुर्गति कैसे हुई, परंतु सुनते ऐसे जैसे कुछ सुनते ही नहीं, तो बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है, दुख सुख निंदा स्तुति सब सहन करना पड़ता है, थोड़ा तो सहन करना पड़ेगा, यहाँ के मनुष्य देखो कैसे है, प्राइम मिनिस्टर को भी माथा पत्थर मारने में देरी नहीं करते, कहते स्कूल के बच्चों का न्यू ब्लड है, बहुत महिमा करते हैं उनकी, बाप समझाते दुनिया का देखो क्या हाल है, अब देखो वहां जो ये जो भी चाहे वो नेता या पद मिलता है उसके लिए कितनी मेहनत करते, वो हो जाता है ना वोटिंग शुरू होता है, इलेक्शन कैंपेनिंग होता है, हमारे यहाँ आते हैं ना वो भाई तो बोलते हैं दीदी अभी 3 महीने तो बिल्कुल फुर्सत नहीं, बिकॉज बहुत कैंपेनिंग करना है वो करना है, और यहाँ विश्व राजा का महाराजा का पद मिल रहा है, कुछ कैंपेनिंग करनी पड़ती है कुछ नहीं, सिर्फ मुरली सुनो बस, और कुछ नहीं करना। तो बाबा कहते हैं थोड़ा तो सहन करना होता है ना, बाप समझाते हैं, अच्छा एक क्वेश्चन, बाप समझाते दुनिया का हाल क्या है, ड्रामा का एक्टर होकर भी, ड्रामा का एक्टर दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखेगा बिफोर एक्सेप्टिंग द रोल, ड्रामा का एक्टर क्या है ध्यान रखेगा, फर्स्ट सपोज यू आर बीन गिवन अ रोल इन अ फिल्म, व्हाट विल यू टेक इनटू अकाउंट, फर्स्ट एक तो पहले स्क्रिप्ट को देखेंगे, एनी एक्टर बिफोर एक्सेप्टिंग द रोल यू हैव टू स्पेसिफाई द स्क्रिप्ट टू दैट एक्टर, और सेकेंडली वो मेन एक्टर कौन है, कास्टिंग कौन है, स्क्रिप्ट एंड हीरो, ये दो इंपॉर्टेंट बात है, वी ऑल आर एक्टर्स इन दिस वर्ल्ड ड्रामा, तो हमको पता है बिगिनिंग मिडिल एंड एंड, पता ही नहीं था, कहने के लिए सभी एक्टर्स है, सो देयरफॉर वी अंडरस्टैंड द होल वर्ल्ड ड्रामा, और दूसरा स्क्रिप्ट हीरो, इस ड्रामा के मुख्य हीरो कौन है, इस वर्ल्ड ड्रामा के मुख्य हीरो, मुख्य हीरो है हाँ शिव बाबा, अच्छा और दो तीन होते हैं हीरो हीरोइन ऐसे कास्टिंग में, दो तीन होते यस यस वी ऑल आर हीरो एक्टर्स, हीरो एक्टर्स हीरो में से भी लक्ष्मी नारायण एक्टर्स है, हम सभी लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्मा हीरो एक्टर्स है, अष्ट महाराजा हीरो एक्टर्स है, तो पता तो होना चाहिए कि श्री कृष्ण कौन है, लक्ष्मी नारायण कौन है, शिव बाबा कौन है, अगर हम ड्रामा में एक्टर है तो इस तरह से ये बाबा की मुरली थी। अच्छा बाबा ने फिर पूछा दो क्वेश्चन है अभी, ये आपको फाइंड आउट करना है इस आज का होमवर्क, ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या पार्ट है, वो कल हो गया, धर्म स्थापकों का क्या पार्ट है, और ब्रह्मा धर्म स्थापको व्हाट इज द रोल ऑफ द प्रिसेप्टर्स इन दिस ड्रामा, ये दो क्वेश्चन आज का लेके जाना है, एक द रोल ऑफ प्रिसेप्टर्स, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द रोल ऑफ द प्रिसेप्टर्स, स्पेसिफाई 5 रीजंस, जो भी धर्म स्थापक की आत्माएं हैं
उनका जो भी रोल है उसके पीछे क्या रीजन है, जैसे उन्होंने धर्म की स्थापना की, द रीजन व्हाई दे एस्टेब्लिश दैट रिलीजन, ये पांच रीजंस बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है, आज के मुरली से है, आपको फाइंड आउट, टू बी ऑलवेज वांटिंग टू स्टे इन परम धाम, कि चलो छोड़ो ना यहाँ क्या रोल करना है, परम धाम में बैठे रहो बहुत अच्छा है, what does it mean, means what, those who wish to always stay in paramdham not coming in this world drama, what do they mean, ye do questions ka kal answer leke aana hai, theek hai, to ye baba ne kaha, ha meethe meethe sikhe le de bachcho prati maat pita baap dada ka yaad pyar, good morning, बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए सार है, किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है, सजाए किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है, सजाए बहुत कड़ी है, उनसे बचने के लिए और सब संग तोड़ एक बाप को याद करना है, रूठना, आज का टेक अवे मैसेज है, रूठना, हाँ रूठना नहीं है। दूसरा है, ज्ञान इंजेक्शन व अंजन देने वाला एक बाप है, उस अविनाशी सर्जन से कोई बात छिपानी नहीं है, बाबा से कोई भी बात छिपानी नहीं है, बाप को सुनाने से झट सावधानी मिल जाएगी। अच्छा, वरदान है, हरेक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन, संगठन एकमत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव, बहुत अच्छा इसकी एक्सप्लेनेशन है, ड्रामा अनुसार हर एक को कोई न कोई विशेषता अवश्य प्राप्त होता है, एवरी सोल इज सम ऑफ द अदर स्पेशलिटी, मतलब किसी में और कुछ नहीं तो चुप बैठने की स्पेशलिटी है, उस विशेषता को कार्य में लगाओ और औरों की विशेषता को देखो, एक टीम को बिल्ड करने का बहुत अच्छा मैनेजमेंट टिप है आज का, तो कोई न उस विशेषता को कार्य में लगाओ तथा औरों की विशेषता को देखो, एक दो में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा, ऑलवेज बी फेथफुल, सपोज किसी ने कुछ कहा मुझे, लेकिन अब उस समय, अब जैसे ये सिचुएशन बताया आपको कि उस बहन ने उसको बहुत स्ट्रांगली बोला कि ऐसे नहीं ये बोलो, तो उस समय उस बहन के प्रति फेथफुल कि ठीक है अभी वो टेंशन में है ना इसलिए उसने मुझे जोर से बोल दिया, तो एक दो में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा, बोलने वाले का और किसने बोला, जिसको बोला उसने, तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा, जब हरेक की विशेषता को देखेंगे तो अनेक होते भी एक दिखाई देंगे। हम क्या करते, किसी ने मुझे जोर से बोल दिया, बस वो जोर उसने तेज बोला वो पकड़ लेते, लेकिन उसकी और भी स्पेशलिटी है वो नहीं देखते। कई बार होता है ना कि ठीक है फ्रेंडशिप है आपस में कुछ बोल दिया, लेकिन उसकी और कितनी अच्छी स्पेशलिटी है वो क्यों छोड़ देते, उस समय वो क्यों हम नजरअंदाज कर देते हैं। बाबा कहते हैं हर एक की विशेषता को देखेंगे तो अनेक होते भी एक दिखाई देंगे, एकमत संगठन हो जाएगा, टीम बिल्ड करने का एक ही तरीका है, नेवर, एक तो किसी से किसी की भी बात को दिल पर नहीं लगाओ और कोई भी बात कोई किसी के लिए कहता भी है देखता है
उस समय उसकी अंडरस्टैंडिंग नेचर कि बेशक वो बात बोला है लेकिन उसका भाव कुछ और है, एंड अगर वो जोर से भी बोला है तो उसका इंजरी है, अंडरस्टैंड द इंजरी दैट सोल इज गोइंग थ्रू रादर देन अंडरस्टैंडिंग द सीइंग दैट स्कोल्ड. वो जोर से बोलना वो न देख के उसकी इंजरी को देखो, एंड हाउ आई कैन हेल्प टू सॉल्व दैट इंजरी. जैसे कोई आप किसी की बहुत लगा हुआ है, आपने इधर हाथ लगाया और वो बहुत जोर से बोलता है, तो आपको क्या लगता है, मैंने हाथ ही तो लगाया, आपका हाथ लगाना था लेकिन एक्चुअली वो इंजरी थी. तो बाबा कहते हैं कोई किसकी ग्लानी की बात सुनाए, अब बहुत अच्छी बात बाबा कह रहे, तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शुभ चिंतक. शुभ चिंतक मीन्स अगर कोई मुझे किसी के लिए बोल भी देता है तो हम कहेंगे नहीं नहीं उसका ये भाव नहीं था, अगर ये भाव भी है लेकिन मेरा उसके प्रति वो इम्प्रेशन नहीं है, देन आई विल से शुभ चिंतक. उसका भाव चेंज करो, नहीं नहीं ये भाव नहीं था, ये भाव था, उसने ये भाव से आपको नहीं बोला, ये भाव से बोला. स्लोगन है तो आज का वरदान बहुत अच्छा है. एवरीवन शुड आई एम श्योर वुड स्टडी द होल मुरली आल्सो एंड द वरदान. स्लोगन है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है. श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार. जितना संकल्प पावरफुल है वही मेरा फॉर्च्यून है, वही ब्राह्मण जीवन का आधार. अच्छा, ओम शांति. एक्सप्लेन किया कि हमें सदा कुछ कैसे रहे, सदा कुछ रहने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए, कैसे उदास मन को हमें एवर हैप्पी रखना है, यह भी आप मुरली द्वारा आपने बहुत अच्छी तरह समझाया. हमें भी ये महसूस हुआ कि सदा खुश रहना ही हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की स्टेज है. आपने मुरली के दौरान आपने बहुत अच्छी बात समझाई कि यहाँ कोई मेहनत नहीं है खुश रहने के लिए, कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ सदा मुरली पढ़ो और मुरली के पढ़ो या सुनो, बस एक ही मेहनत है छोटी सी, तो वो सब लोगों के लिए बहुत इजी है. और ये अच्छा तरीका बताया तो अब हम सदा खुश रहेंगे ही. और आज की मुरली से एक बाबा ने मुरली मैनेजमेंट टिप दी है, एक जो नोट करे, जो उदास है, जो उदास है वह माया का दास है, माया अर्थात फाइव वाइसेस. अतः अपने भाग्य के गीत गाते रहो और खुशी के डांस करते रहो. ये मैनेजमेंट टिप बहुत अच्छी है. जो उदास है वह माया का दास है, अतः अपने भाग्य के गीत गाते रहो और खुशी के डांस करते रहो. इसका इंग्लिश में बताया गया, एन अपसेट सोल इज ए स्लेव ऑफ माया, दैट इज फाइव वाइसेस, एंड हेंस ऑलवेज सिंग प्रेज़वर्दी सॉन्ग्स ऑफ योर डिवाइन फॉर्च्यून एंड डू डांस. In happiness always. In happiness always. Oh, thank you, Didi. Oh, thank you all the divine souls who had enjoyed the session today. And now I request all the person, you can ask questions to Didi.